अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ्यूचर न्यूज़ के साथ मैं हूं सैफ राशिदी। व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं एबटाबाद में सरबन पहाड़ी की तरफ। सरबन पहाड़ी एक बहुत खूबसूरत इलाका है, एक टॉप है जहां से पूरा एबटाबाद नज़र आता है। तो आए मेरे साथ और सरबन हिल की तरफ निकलते हैं। व्यूवर्स, अभी हम यहां से निकलने वाले हैं सरबन हिल की तरफ और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी खूबसूरत वो जगह है और कितने अच्छे और कितना खूबसूरत वहां से एबटाबाद का व्यू है, कितने दिलकश मनाजर वहां से नजर आते हैं। तो आए मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। कदम पहला मिलेंगे हम, का एक और व्यू है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से एबटाबाद कितना खूबसूरत नजर आता है और कितने यहाँ से आपको एबटाबाद के दिलकश मनाजर नजर आ सकते हैं। ये पीछे इस तरफ सरबन पहाड़ी आ जाती है, तो ये सरबन पहाड़ी के रास्ते में ही एक और पॉइंट है ऐसा कि जहाँ से आपको जो एबटाबाद सिटी है वो काफी करीब से नजर आती है। सरबन पहाड़ी का जो है विजिट किया, तो आपने देखा ये कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है सहूलियात का फुकदान है। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि इतना प्यारा जो ये स्पॉट है, यहाँ पे लोग आ सकते हैं। यहाँ पे मतलब अगर रोड की सहूलत, तो हमने देखा है रोड बहुत खराब है यहाँ पे और तकरीबन एक गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन जगहों को डेवलप करे, यहाँ पे रोड की सहूलियात दे, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए और सहूलियात कर, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाने चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत इलाका है, दिलकश मनाजर है, आप मेरी वीडियो में बैक पे देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, हुकूमत यहाँ पे दिलचस्पी नहीं रही, लोग यहाँ पे अपनी मदद आप तहत आते हैं। यहाँ पे कोई खाने पीने का निज़ाम मौजूद नहीं है, वो नीचे से घर से बना के या नीचे बाजार से लेके आते हैं और यहाँ पे वो पकाते वगैरह। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह ओपन करें। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है वो पानी, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, पानी मौजूद नहीं है, तो लोगों को जो यहाँ पे सयाह आते हैं उनको बड़ी मुश्किल का सामना है। तो मेरी बस यही गुजारिश है हुकूमत से कि हमारे एबटाबाद में इतनी खूबसूरत जगह है ये सरबन पहाड़ी, तो इसको डेवलप किया जाए। मेरे पेज को लाइक भी करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और हमें फॉलो करें। शुक्रिया।